मैं लीना खेतकर सहपीडिया की ओर से आप सभी का और आज की हमारी अतिथि शर्वरी जमीनिस जी का सहर्ष स्वागत करती हूँ। शर्वरी जी ये पूना के प्रसिद्ध कथक नृत्य गुरु पंडिता रोहिणीताई भाटे जी की ज्येष्ठ शिष्या है। कथक में मास्टर्स डिग्री के अतिरिक्त हम सभी लोग नाट्य चित्रपट क्षेत्र की ओर से शर्वरी जी से परिचित है। शर्वरी जी को कथक नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी का उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार, कला गौरव पुरस्कार तथा सिंगारमणि पुरस्कार आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। नमस्कार शर्वरी जी। नमस्कार शर्वरी जी, आपसे मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगी कि इतने सालों से, बचपन से आज तक आप इस अनूठी शैली से, कथक नृत्य से जुड़ी हुई है, तो ये सारा जो आपका सफर है, बचपन में हम लोग कथक सीखते हैं, नृत्य सीखते हैं, उसके उपरांत हमारी खुद की विचारधारा बनाते हैं, उसे सिखाते भी हैं, उसे प्रस्तुत करते हैं, तो ये सारा आपका कथक के साथ सफर कैसे रहा, हमें सभी लोगों को जानने में बहुत आनंद होगा। सबसे पहले सहपीढ़िया और लीना, मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर आज आमंत्रित किया। जैसा सब लोगों के साथ होता है, मेरा भी वैसे ही हुआ। बचपन में मेरी माँ ने मुझे पुणे में नृत्य भारती कथक डांस अकादमी में दाखिल किया, और मैं तो बचपन में जब 7 साल की थी मैं, और 7 साल की उम्र में तो हम नहीं जानते कि हमें कथक करना है या भरतनाट्यम करना है या फॉर दैट मैटर एनी काइंड ऑफ डांस स्टाइल। पर मेरी मम्मी ने मुझे वहाँ पर नृत्य भारती कथक डांस अकादमी में दाखिल किया, जो कि मेरी गुरुजी डॉक्टर रोहिणी भाटे जी की संस्था है। तो उसके पीछे भी एक छोटा सा रीजन है कि मेरी माँ को डांस की तरफ, मतलब नृत्य की तरफ बहुत लगाव था, और उनके बचपन में वो नृत्य करना चाहती थी, किंतु मेरे नाना जी ने उनको उस वक्त परमिशन नहीं दी, क्योंकि उस वक्त नृत्य की तरफ देखने का लोगों का नजरिया बहुत संकुचित था। मतलब अच्छे घर की लड़कियां नृत्य नहीं करती, ऐसा कुछ माहौल था उस वक्त। तो उन्होंने उनको परमिशन नहीं दी, और इसीलिए उन्होंने शायद मुझ में वो थोड़ा सा लगाव नृत्य के प्रति देखा, क्योंकि बचपन में मैं कोई भी अगर म्यूजिक बजता तो मैं डांस करना शुरू कर देती थी। तो उन्होंने मुझे इसीलिए उस संस्था में एडमिशन करवा दी मेरी, और मैं ये बात मेरे लिए बहुत सौभाग्य की समझती हूँ, क्योंकि अच्छा गुरु मिलना ये आपके ये सबको हासिल नहीं होता। और मेरी माँ ने वो कॉन्शियसली डिसीजन लिया और मुझे रोहिणी जी के पास, रोहिणी दीदी के पास भेज दिया, और उसके बाद पूरा का पूरा मेरा नृत्य की तरफ देखने का क्या बोलते हैं, परसेप्शन या नजरिया बदल गया। क्योंकि पहले 3 साल तो मैं नृत्य भारती कथक डांस अकादमी में जब सीख रही थी, तो उनके सीनियर स्टूडेंट्स के पास सीख रही थी, और मुझे अच्छा तो लगता था, लेकिन ऐसे कुछ खास लगाव नहीं था कि पैशन बन गया है, ऐसे कुछ पहले 3 सालों में नहीं था। आई वॉज लाइक गोइंग जस्ट एज अ रेगुलर स्टूडेंट, जैसा रूटीन रहता है वैसे ही मेरा चल रहा था। लेकिन 3 एग्जाम्स जो इंटरनल क्लास के एग्जाम्स रहते हैं, तो वो खत्म होने के बाद डायरेक्टली रोहिणी ताई के पास मैं सीखना, मेरा सीखना शुरू हो गया, और फिर मेरा पूरा मतलब नृत्य की तरफ देखने का नजरिया और या परसेप्शन बदल गया। और तभी मैंने सोच लिया, 2 साल उनके पास सीख रही थी, तभी 2 सालों में ही मैंने तय कर लिया कि मुझे जीवन में जो कुछ करना है वो नृत्य से जुड़े हुए ही करना है। मतलब करियर वगैरह तो उस वक्त कुछ बात पता नहीं थी क्या करना है, क्योंकि उस वक्त मैं 9वीं कक्षा में थी। तो लेकिन ये तय किया था कि नृत्य कभी छोड़ना नहीं है, उससे जुड़ा रहना है। तो ये इतना नृत्य के प्रति प्रेम मुझे लगता है रोहिणी जी ने मेरे मन में जागरूक किया। और फॉर्चुनेटली उसी वक्त पुणे यूनिवर्सिटी में एक फैकल्टी शुरू हो गई, सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स, जिसे ललित कला केंद्र कहते हैं। तो वहां पर कथक नृत्य में बीए और एमए करने का अवसर था, और गुरुकुल सिस्टम थी कि अगर आप किसी गुरु के पास सीख रहे हो और अगर आपके गुरु उस पैनल पे हो, तो वो आप उन्हीं से कंटिन्यू कर सकते हो। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, और इट वॉज लाइक गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर मी, बिकॉज उनके पास मैं रोहिणी ताई के पास सीख रही थी, तब जनरल क्लास में सीख रही थी, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस बी एन एम ए
1-to-1 जो जिसको हम लोग प्राइवेट ट्यूशन बोलते हैं, तो वैसा शुरू होने वाला था और आई नेवर वांटेड टू मिस दैट अपॉर्चुनिटी। आई वाज वेरी फॉर्चुनेट फॉर दैट। और मैंने उनके अंडर उनके ट्यूटेलेज में मेरा बीए और एमए कंप्लीट किया, और एमए में आई स्टूड फर्स्ट इन द यूनिवर्सिटी। तो उसके बाद भी मुझे लगता है कि जब मैं बीए कर रही थी तभी से लेकर करीबन 10 या 12 साल तक उनके ही सामने नृत्य भारती में सुबह 9 से लेकर 1 बजे तक और शाम को 5 बजे से 8 बजे तक हम लोगों का रियाज चलता था, रिहर्सल्स चलते थे अलग अलग प्रोग्राम्स के, और ऑफकोर्स हमें उनसे शिक्षा हासिल हो रही थी उसी वक्त। तो वो जो पूरा का पूरा 10-12 साल का स्पैन है वो मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि इतना नृत्य में रहना, रुक्मिणी जी के सहवास में रहना, ये बहुत कुछ सीखा गया और मैंने उससे बहुत कुछ सीख पाई। और मुझे तो मतलब पूरा दिन वही करते रहना, तो मुझे इतना आनंद मिल रहा था कि मैं किसी और बात के बारे में, किसी और चीज के बारे में उस वक्त सोच ही नहीं रही थी और बस आनंद ले रही थी। उनको ऑब्जर्व करने में भी बहुत बड़ा आनंद था, तो मिल रहा था। तो मुझे लगता है कि उसके बाद उनके साथ टूर्स पे जाना, परफॉर्मिंग यूनिट में उनके अलग अलग परफॉर्मेंसेस करना, तो पूरा पूरा का पूरा एक्सपीरियंस एक कुछ अलग था। और उसके बाद मैंने अपनी नृत्य संस्था तब तक नहीं शुरू की थी, और क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम उनके सहवास में रहूं, उनके ही साथ उनके ही प्रोडक्शन में काम करूं। तो मुझे लगता है शी पास्ड अवे इन 2008 रोहिणी दाई, और आई स्टार्टेड माय इंस्टीट्यूट इन 2009 और मे बी 2008 में ही, लेकिन आफ्टर शी पास्ड अवे। तो उसके बाद मैंने अपनी इंस्टीट्यूट खोली और फिर मेरे अंडर भी अभी यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स पास आउट हो रहे हैं, और मुझे बहुत आनंद है कि लास्ट ईयर माय स्टूडेंट अगेन स्टूड फर्स्ट इन द यूनिवर्सिटी, वन ऑफ माय स्टूडेंट्स भार्गवी देशमुख। और फिर मेरे स्टूडेंट्स के साथ, मेरे जो सीनियर स्टूडेंट्स के साथ मैंने अभी प्रोडक्शन शुरू किए, उनके साथ मेरा ट्रैवलिंग शुरू हो गया, और अभी तो ऐसे सिलसिला चल रहा है। और अभी भी क्या कहूँ कि सब मतलब बीच में आई गॉट मैरिड, आई हैव अ किड, लेकिन नृत्य के साथ जो जुड़ा रहना मैंने पहले ही सोच के रखा था, तो वो सिलसिला भी चालू है। जी बिल्कुल। हम सब पूना वासी लोग जो नृत्य से जुड़े हैं वो तो आपकी इस पूरी सफर से बिल्कुल वाकिफ है। तो बहुत ही अच्छा सफर रहा रोहिणी ताई के साथ आपका। इतना समय आप बिता पाई, इतने सौभाग्य से आपको वो सिलसिला आपका बहुत सालों से चलता रहा और अभी आप भी स्टूडेंट्स के साथ जुड़ी है। मेरे ख्याल से रोहिणी ताई खुद दो घरानों से सीखी हुई थी, लच्छू महाराज जी और मोहन राव जी दोनों से उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। तो लखनऊ और जयपुर दोनों का एक अनूठा ही संगम उनके शैली में दिखाई देता है। तो आप लोगों में सभी उनके शिष्याओं में भी वो बहुत ही सुंदर तरीके से आज भी जीवित है। हम लोगों को अच्छी तरीके से वो आपका ट्रांजिशन भी पूरा हम लोगों को इतना दिखाई देता है। तो उनके ये अनूठे शैली के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि कैसी है उनके शैली की विशेषताएं? अभी आगे भी आपके बच्चे सीखते हैं तो और भी बच्चों को ये सुनने में आनंद होगा कि क्या है उस शैली की खासियत। जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि मेरी गुरुजी दो गुरुओं के पास उन्होंने कथक नृत्य की शिक्षा हासिल की, एक तो पंडित लच्छू महाराज जी जो लखनऊ घराने के थे, और पंडित मोहनराव जी कल्याणपुरकर जो जयपुर घराने के थे। इन दोनों से जब वो शिक्षा प्राप्त उन्होंने की थी, लेकिन जब मैं उनके सामने सीखने के लिए गई तब तक शी वॉज इन हर 60s, सो इट वॉज लाइक 4 decades शी स्पेंट इन कथक डांस, एंड आई गेस बाय दैट टाइम उन्होंने जो हम लोगों को कंपोजिशन सिखाए वो उनके खुद के ज्यादा थे। लेकिन वो सिखाते समय भी वो बताती थी कि ये जेस्चर जो है ये लखनऊ का है, ये खासियत जयपुर की है, और उनके खुद का जो उनका परफॉर्मेंस रहता था उसमें जो वो ट्रेडिशनल डांस करती थी तब तो उसमें हमें
पूरा का पूरा दिखाई देता था कि अरे ये तो मोहनराव जी उनकी छवि है, इसमें तो लच्छू महाराज जी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो बताती रहती थी और हर वक्त वो बहुत सारी बातें उन्होंने हमसे शेयर की थी। कि जैसे कि उन्होंने एक बहुत खास बात कही थी कि वो जब मोहनराव जी के पास नृत्य सीख रही थी, तब उनको ऐसे लग रहा था कि वो उनको जाकर नृत्य करके, मतलब उनके सामने वो जैसा मुझे सौभाग्य मिला कि हर रोज उनके सामने रहना, उनको नहीं मिला। वो उनको जाना पड़ता था कानपुर, और फिर वो वहां सीखती थी और फिर रहती थी 15 दिन, फिर वापस आती थी, फिर 2 2 महीने 3 3 महीने उनको गुरुजी के पास तालीम नहीं मिलती थी और फिर से वो जाती थी। तो ऐसे उनको जो कुछ मिलता, वो जितना कुछ मिलता, वो मतलब वो शी यूज्ड टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, और वो जितना मिल सके वो लेकर फिर यहाँ पर पूना में आकर अपना काम उस पर करती थी। तो वो उनको पूछती थी मोहनराव जी को कि कैसे लग रहा है, तो वो बोलते थे हाँ सब कुछ ठीक तो हो रहा है लेकिन शैली नहीं दिखाई दे रही है। तो मतलब क्या हो रहा है, वो उनको बहुत पहले पहले साल मतलब जब वो उन्होंने ज्वाइन किया, मतलब उनसे तालीम हासिल कर रही थी, तब तब इनिशियल स्टेज में ये सब कुछ चल रहा था जो उन्होंने हम लोगों के साथ शेयर किया था। तो उस वक्त उन्होंने पूछा कि शैली नहीं है, स्टाइल नहीं है, मतलब क्या हो रहा है, वो ये ही नहीं जान पा रही थी तो सुधारेंगी कैसे, क्योंकि मतलब क्या कमी हो रही है। तो वो उनको वो कभी नहीं बताते थे मोहनराव जी, वो बोले थे उन्होंने आप ढूंढ लो, लेकिन स्टाइल नहीं दिखाई। वो आप में कथक की जो स्टाइल होती है, एक स्टाइल आनी चाहिए, जो शैली दिखाई देनी चाहिए, वो क्यों नहीं दिखाई दे रही है। फिर उन्होंने अपने आप पर बहुत काम किया और सोचा कि क्या मुझ में कमी है और क्यों वो स्टाइल नहीं दिखाई दे रही है। और उनको यूरेका जैसे रहता है, वैसे एक दिन पता चला कि वो जो कुछ स्टांसेस लेती थी, तो शी वॉज लाइक वेरी टॉल, 5'10" और समथिंग, तो जो भी स्टांस वो करती थी ना, तो वो अपने नीज को बहुत ज्यादा बेंड करती थी। उन्होंने थोड़ा सा गुरु पार्वती कुमार जी से भरतनाट्यम की तालीम भी उन्होंने पहले हासिल की थी, तो उनको मालूम नहीं है ऐसे कि अपनी जो हाइट होती है तो उस हिसाब से बेंड करना, या ऐसे कुछ उनको उस वक्त इस तरीके से तालीम नहीं मिली थी। तो वो उन्होंने खुद ने सोचा और देखा और उनको पता चला कि मैं बहुत ज्यादा बेंड कर रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा झुक के सब सम और ये दे रही हूँ, तो इसीलिए शायद स्टाइल नहीं दिखाई दे रही है। और उन्होंने फिर अपना शरीर जैसा है उसमें खूबसूरत क्या लग रहा है ये सोचा, उस पर अभ्यास किया और उन्होंने वो दिखाया। और अचानक से मोहनराव जी बोले वाह क्या बात है, अभी तो पूरा का पूरा ये क्या घराने जैसा, मतलब घराने का ही लग रहा है नृत्य। तो उनको पता चला, तो वो जो उनको दिक्कतें आई सीखते समय, क्योंकि उनको जैसे हम लोगों को स्पून फीडिंग नहीं बोलूंगी लेकिन आसान करके जो उनको दिक्कत आई वो हमें ना आए, इसलिए उन्होंने हमारे लिए नृत्य को बहुत सुकर किया और अच्छी तरीके से सब कुछ हमारे सामने ऐसे पेश किया कि अब ले लो जितना लेना है ले लो। तो मुझे लगता है तो वो बातें उन्होंने बताई थी, लेकिन हम लोग जो सीखे वो ज्यादातर रोहिणी जी की कंपोजिशन सीखे, जिसमें हम लोगों को रिफ्लेक्शन दिखाई दिया दोनों गुरु का, दोनों स्टाइल का, लखनऊ और जयपुर, जो 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 उन्होंने शी टुक गुड थिंग्स फ्रॉम बोथ द स्टाइल्स एंड आई थिंक शी क्रिएटेड हर ओन स्टाइल इन अ वे। और इतने डिकेड जब आप एक शैली में काम करते हो तो यू गेट दैट अथॉरिटी, और जब आप नॉट ओनली सिर्फ काम करते हो, डेडिकेशन के साथ और पूरे अभ्यास पूर्वक काम करते हो, तो आपको ये अथॉरिटी मिलती है कि आप अपना खुद का कुछ उसमें निर्माण करें। और आई कैन से प्राउडली दैट आई बिलोंग टू रोहिणी घराना, सो विच इज अ ब्लेंड ऑफ बोथ लखनऊ एंड जयपुर। सो मैं मेरे स्टूडेंट्स को जो जब सिखाती हूँ, तो ना कि मैं मतलब उनको भी मैं बताती हूँ इम्पोर्टेंसेस और स्पेशलिटीज ऑफ बोथ स्टाइल्स, उनको उस बात का अवेयरनेस तो देती हूँ, लेकिन जब सिखाती हूँ तो रोहिणी जी की रचनाएं सिखाती हूँ, और जब मैं कंपोज करती हूँ तो रोहिणी जी और किस तरीके से उसके बारे में सोचती, अगर वो होती तो वो क्या उसके बारे में, मतलब उनका थिंकिंग कैसे रहता है, ये सोच के ही मैं कंपोजिशन करने का प्रयास करती हूँ, ताकि उनकी ही शैली, उनका ही जो एक मार्क था
वो मेरे नृत्य पर भी दिखे, ना कि बाहर जो कुछ चल रहा है तो थोड़ा सा ये लिया थोड़ा सा वो लिया, ऐसा करके कुछ नृत्य ना लगे और उनकी ही स्टाइल, उनका जो उनकी उनने जो परंपरा जो संचित हमारे पास दिया है तो वो आगे चलता रहे, स्टूडेंट्स के मेरे स्टूडेंट्स को भी मैं पास ऑन कर सकूं, ये मेरा प्रयास रहता है। जी बिल्कुल, जैसे आपने अभी कहा कि इतने सालों से उनका खुद का अभ्यास, खुद की उस पर की सोच, दोनों घरानों को ढाल कर उन्होंने एक अनूठी अपनी ही शैली बनाई और वही आप सभी लोगों को जैसे सौंप दी, ऐसे कह सकते हैं। मेरे ख्याल से रोहिणी ताई की अनूठी शैली बनाने में या बनने में उनका खुद का जैसे संगीत का अभ्यास और साहित्य की उनकी रुचि भी बहुत मायने रखती है। और मैं जानती हूँ कि आप भी इन सभी बातों में अभ्यासपूर्ण अपना विचार हमेशा लेते आ रही है। आपके घर पे भी अभी भी संगीत है, आपके हस्बैंड भी बहुत उम्दा तबला प्लेयर है, तो इस सारा पूरा अमालगमेशन डांस में आपको कैसे लगता है? आप नाट्य विधा से भी जुड़ी है, चित्रपटों से भी जुड़ी है, तो आपके ख्याल से ये जो कलाओं में अंतः संबंध होता है, सभी दृक्श्राव्य कलाएं जैसे अपनी अपनी विशेषताएं लेके अलग अलग होने पर भी खुद से एक दूसरे से जुड़ी रहती है, तो ये अंतः संबंध आपको कैसे लगता है? और आपने तो इतने विधाओं में काम किया है, तो वो आपने कैसे उसको ढाला एक दूसरे में? आपको इन सभी कलाओं से जुड़े रहने से क्या क्या एक दूसरे से क्या मिला सभी कलाओं से? जैसा कि आपने कहा कि सच्ची में मैंने इसीलिए पहले कहा था कि अच्छा गुरु मिलना ये सौभाग्य की बात है, क्योंकि क्योंकि सिर्फ नृत्य नहीं सिखाया रोहिणी ताई ने हम लोगों को, उन्होंने शी व्हाट शी डिड वाज लाइक शी ब्रॉडर्ड माय विजन टुवर्ड्स ऑल द परफॉर्मिंग आर्ट फॉर्म्स। मतलब कैसे है कि हम सभी जानते हैं नृत्य संकीर्ण कला है, तो अन्य ललित कलाओं का भी उससे वो उसमें इंटरवोवन है, तो उनका प्रभुत्व साहित्य पे था, रोहिणी दाई का साहित्य पे था, संगीत पे था, वो बकायदा संगीत सीखी भी थी, और उन्होंने साहित्य के बारे में अगर बोले तो ब्रज हिंदी, संस्कृत मिश्रित हिंदी या उर्दू हिंदी, तो उतना भी वो लहजा हर वक्त जब कोई एक कंपोजिशन वो बनाती थी तो उसका लहजा उसकी तरफ पूरा पूरा उनका मतलब अभ्यास रहता, और वो शी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट कि जो कुछ कर रही है वो उस दायरे में ही होना चाहिए, दैट हैज टू बी वेरी प्योर। तो वो दृष्टिकोण जो है अन्य ललित कलाओं की तरफ देखने का, तो वो हम लोगों का इतना अच्छा डेवलप हो गया, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इट वाज नॉट ओनली डांस डांस एट सच, तो एक सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग बना कर, मतलब आई विल से रादर देन ह्यूमन बीइंग आर्टिस्ट, कि जो अन्य कलाओं को भी उसी रुचि के साथ उसी लगाव के साथ देखे और ऑब्जर्व करे और उसमें से कुछ ले पाए, तो वो सेंसिटिविटी ने हम लोगों के अंदर जागरूक किया, और वो बहुत बड़ा खजाना है, दैट्स व्हाट आई फील, क्योंकि उसके बाद आप जो कुछ देखते हो तो यू कीप ऑन ऑब्जर्विंग एवरीथिंग, यू कीप ऑन टेकिंग द ब्यूटी फ्रॉम ईच एंड एवरी आर्ट फॉर्म, एंड देन यू कैन सी दैट दोज आर इंटरवोवन, और वो सब सब जो उनसे सीखा, क्योंकि वो अपना अपने कंपोजिशंस खुद लिखती थी, उस पर संगीत का साथ खुद भी चढ़ाती थी, और ऑफ कोर्स नृत्य रचना तो उन्हीं की रहती थी, तो ये सब सब डायमेंशंस में उनका प्रभुत्व देखा था। तो जब भी मैं काम करती हूँ तो मैं ऑब्वियसली आई गेट वेरी कॉन्शियस, इफ आई राइट समथिंग इन डांस देन ऑल्सो आई गेट वेरी कॉन्शियस, कि छोटी छोटी चीजें जब आप कुछ लिख रहे हो, तो अगर आप संस्कृत मिश्रित हिंदी लिख रहे हो तो गगन आएगा लेकिन आसमान नहीं आ सकता उसमें, तो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट अबाउट योर लैंग्वेज, अबाउट योर जो कुछ आप लिख रहे हो तो उसका दायरा क्या है, उसका उसमें रहकर भी आप किस तरीके से प्रभावी हो पाओ, तो ये सब चीजें मैं उनसे सीख पाई, और मुझे लगता है कि हाँ बाय एक्सीडेंटली आई एंटर्ड इन द फिल्म इंडस्ट्री एक्सीडेंटली, बिकॉज व्हेन आई वाज डूइंग माय लास्ट ईयर इन एमए इन डांस, अ फ्रेंड ऑफ माइन शी वाज डूइंग हर इन ड्रामा, और उनके लास्ट ईयर का उनको प्रोजेक्ट था कि एक प्ले डायरेक्ट करना था, और उसमें उन्होंने रंग पांचालिक ये जो
जो महाभारत पे आधारित नाट्य था, तो उसको उन्होंने पेश करने की सोची और उसमें जो सेंट्रल कैरेक्टर था उसके लिए उनको क्लासिकल डांसर चाहिए थी। सो शी जस्ट आस्क मी कि आप परफॉर्म करोगे क्या उसमें, आप वो किरदार निभाओगे क्या? तो मुझे डांस करने के लिए मिल रहा था, तो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड आई जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई सेड यस टू हर। और मैंने उनके प्ले में काम किया और वहां पर जो 3 एग्जामिनर्स थे उसमें से एक थे जो कि मराठी थिएटर के बहुत ही जाने माने निर्देशक है, चंद्रकांत कुलकर्णी। सो उन्होंने मेरा अभिनय वहां पर देखा और उन्होंने मुझे आगे जाकर बिंदास नाम की एक फिल्म जो थी उसको ऑफर कर दी। तो दैट्स व्हाई बाय एक्सीडेंट आई स्टार्टेड आई केम इनटू दैट लाइन आल्सो। सो बिंदास ये फिल्म ऐसी थी क्योंकि उसमें इतना स्ट्रांग वो स्टोरी इतनी स्ट्रांग थी और आई न्यू दैट राइट फ्रॉम द फर्स्ट फ्रेम टू लास्ट फ्रेम आई हैड अ ह्यूज स्कोप ऑफ एक्टिंग। तो ऐसा कभी वन यू गेट वंस इन अ लाइफ टाइम दिस काइंड ऑफ रोल एंड लेकिन फिर भी मैंने उनको तुरंत हाँ नहीं कही थी। और मुझे आज भी याद है कि मैं रोहिणी जी के पास गई और दीदी को पूछा कि रोहिणी ताई मैं ऐसे ऐसे फिल्म है और ये स्टोरी है इसकी और मुझे पूछा गया है तो मैं क्या करूँ। तो स्टोरी इतनी अच्छी थी कि उन्होंने भी मुझे हाँ कर दी। इट वॉज नॉट लाइक दैट कि नहीं नहीं डांस कर रही हो तो डांस ही करना है, वो शी वॉज नेवर स्ट्रिक्ट दैट वे क्योंकि वो जानती थी अन्य ललित कलाएं उनका भी उसमें मतलब आई विल ग्रो एज एन आर्टिस्ट इटसेल्फ कि इफ आई डू समथिंग एल्स रिलेटेड विद डांस बिकॉज दीज आर इंटरलिंक्ड। तो वो जानती थी कि इसका मुझे फायदा ही होगा और मैं एक कलाकार के नाते और समृद्ध हो जाऊंगी। तो शी अलाउड मी शी गेव मी दैट परमिशन लेकिन मैंने उनके आंखों में वो थोड़ा सा डर देखा था क्योंकि क्या है एक्टिंग फिर जो है वो कंपेयर टू क्लासिकल डांस इट इज मोर ग्लैमरस। वहां पर आपको मानधन भी बहुत ज्यादा मिलता है और वो एक रात में आपको फेमस कर देता है। सो शी थॉट कि जिसके ऊपर अभी 10-12 साल इतनी मेहनत की है और उसमें अभी थोड़ा सा कुछ नृत्य दिखाई देने लगा है तो वो अभी शायद अपनी लाइन चेंज कर देगी। लेकिन मैंने उनको आई प्रॉमिस्ड हर कि आई विल नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज विद डांस। डांस इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी एंड इट्स माय पैशन इट्स माय लव सो आई विल नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज विद डांस एंड आई आई थिंक आई केप दैट वर्ड क्योंकि उसके बाद बहुत सारे डेली सोप्स के लीड रोल आए लेकिन मैंने एक भी डेली सोप नहीं की क्योंकि इफ यू डू अ डेली सोप देन यू हैव टू गिव द कमिटमेंट फॉर ऑलमोस्ट 22 days पर मंथ एंड द डेली सोप गोज ऑन फॉर 1 year और मोर देन दैट। और नृत्य के लिए रियाज कितना अहम है हम सभी जानते हैं। तो अगर मैं 1.5 साल डेली सोप करती रहती तो हर घर में रोज दिखाई देती लेकिन मैं रियाज और अपने नृत्य से के मतलब उससे दूर जाती और शायद मैं रात की नींद नहीं सो पाती आराम से। सो मुझे लगता है दैट वाज माय कॉन्शियस डिसीजन और माय चॉइस एंड आई एम रियली हैप्पी विद इट आई एम नॉट एट ऑल रिग्रेटिंग विद इट। बट हाँ मैंने किया, ऐसा भी नहीं हुआ कि मैंने थोड़ी थोड़ी बहुत जो फिल्म की गिनी चुनी लेकिन वो मैंने इसलिए की क्योंकि जब मैंने बिंदास की वो फिल्म होने के बाद क्या हुआ मुझे कथक सोलो परफॉर्मेंसेस के लिए इनविटेशन आने आना शुरू हुआ। और आई थॉट कि और उस वक्त मैं जब वहां पर गई मतलब पहला परफॉर्मेंस आई गेस सातारा या कराड़ पे था तो तब मैंने देखा होर्डिंग पे लिखा था बिंदास फेम शर्वरी जर्मनी का कथक नृत्य। तो आई सेड व्हाई नॉट इफ दिस फील्ड इज हेल्पिंग मी टू गेट सोलो परफॉर्मेंसेस क्योंकि वहां पर तो मैं ऑथेंटिक प्योर कथक ही परफॉर्म करने वाली हूँ। सो दैट इज अप टू मी हाउ टू प्रेजेंट इट एंड हाउ टू व्हाट यू कैन से कैसे मैं लोगों के सामने कथक का जो सौंदर्य है वो कहाँ कैसे पहुंचा सकूँ कि मासेस तक। सो दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई डू दैट विथ 100%। लेकिन अगर ये मुझे ये लाइन हेल्प कर रही है डांस परफॉर्मेंसेस मुझे मुझे अगर इससे मिल रहे हैं तो आई शुडंट क्विट इट कम्प्लीटली। सो आई शुड कीप ऑन डूइंग इट बट उसका रेशियो और कितना टाइम मैं उसके लिए दे रही हूँ ये मुझे सोचना है और कितना टाइम डांस के लिए दे रही हूँ। सो आई थिंक आई मेड अ कंपार्टमेंट्स आई मेड कंपार्टमेंट्स और मैंने तय कर लिया था कि मुझे डांस के लिए तो पूरा फुल फ्लेश टाइम देना है। मतलब अभी भी बायोडाटा में जब कोई पूछता है सेलिब्रिटी करके जब मुझे बुलाया जाता है तब मैं पहले कथक नृत्यांगना और उसके बाद अभिनेत्री ऐसे ही लिखने के लिए बोलती हूँ क्योंकि दैट इज कथक इज माय प्रोफेशन कथक इज माय लाइफ एंड एक्टिंग इज माय हॉबी। सो दैट वाज वेरी क्लियर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो
लेकिन हाँ, इन दोनों मतलब मैंने जो कुछ किया है तो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है, ये तो बात है। क्योंकि बीइंग अ डांसर, व्हेन यू फेस द कैमरा, यू आर वेरी एट ईज विथ योर बॉडी लैंग्वेज, सो दैट हेल्प्स यू अलॉट। मतलब इवन इफ यू वॉक इन फ्रंट ऑफ कैमरा, यू हैव दैट ग्रेस, यू हैव दैट पॉइज। तो बॉडी के साथ क्या करना है, मूवमेंट के साथ, व्हेन यू से अ डायलॉग, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छा एक्टर हो सकता है कि जो मतलब उसका वॉइस अच्छा हो, एक्सप्रेशन अच्छे हो, लेकिन समटाइम्स ही गेट स्टक विथ वॉट टू डू विथ हैंड्स एंड ऑल, बिकॉज बॉडी का यूज कैसे करना है, ही इज नॉट अवेयर ऑफ इट, मे बी इन द बिगिनिंग मे बी। बट हम लोगों के साथ क्या होता है कि वो बॉडी लैंग्वेज आपकी इतनी ग्रेसफुल और ये हो जाती है, क्या बोलते हैं, कि यू आर अवेयर ऑफ योर ईच एंड एवरी पार्टिकल, सो यू कैन, यू नो वॉट यू आर डूइंग, हाउ यू आर एक्सप्रेसिंग, एंड यू नेवर फील ऑकवर्ड विथ योर बॉडी, बिकॉज यू नो वॉट टू डू विथ योर हैंड्स। तो ये सब कुछ मैं इतने आसानी से कर पाई क्योंकि आई हैड बैकग्राउंड ऑफ क्लासिकल डांस, बिकॉज ऑफ क्लासिकल डांस आई हैड ए डिसिप्लिन, आई हैड दिस जो हम समर्पित करने की जो भावना बोलते हैं। तो कोई भी फील्ड में जाते हो, किसी और आर्ट फॉर्म में और फॉर्म करते हो, तो भी दैट इज देयर एंड दैट हेल्प्स यू अ लॉट। तो मुझे लगता है मुझे एंड अनदर थिंग इज कि हम क्लासिकल में जब एक्सप्रेस करते हैं, सो वी स्पीक लॉट थ्रू अवर आईज, सो दैट आल्सो हेल्प मी ड्यूरिंग माय एक्टिंग थिंग। और वैसा वैसा जब मैंने एक्टिंग की, तो कैमरा ये मीडियम कुछ अलग है, जो आपके इवन इफ यू रेज वन आईब्रो, दैट इज सीन। तो वहां पर माइन्यूट डिटेलिंग और सटल होना बहुत जरूरी होता है। और यहाँ पर क्या होता है, जब हम डांस करते हैं तो ऑडिटोरियम में हम लोग सोचते हैं कि जो लास्ट तक बैठा हुआ अपना ऑडियंस में जो रसिक है, तो उन तक पहुंचना चाहिए मेरा जो कुछ मैं करूंगी वो। सो यू जस्ट इलेबरेट थिंग्स, थोड़ा सा ज्यादा आप उसको एम्फसाइज करते हो। हाँ, सो रोहिणी ताई बोलती थी कि कथक का जो अभिनय है वो इट्स इज लाइक होम्योपैथिक की जो पिल रहती है वैसा रहता है, बिकॉज वो असर करता रहता है लेकिन उसका कुछ साइड इफेक्ट नहीं होता। तो वो सेटिटी पे बहुत बहुत ध्यान देती थी, और उनका अभिनय तो मतलब हम लोग जानते हैं कि जब वो मुग्धा परफॉर्म करती थी तो शी वाज एट द एज ऑफ 65, शी यूज्ड टू लुक लाइक 16 एंड नॉट डूइंग एनी एक्स्ट्रा जेस्चर्स लाइक टू शो द 16 ईयर ओल्ड और टीनेजर गर्ल। शी नेवर डिड सम एक्स्ट्रा मूवमेंट्स और जेस्चर्स, ऑब्वियसली लाइक दिस एंड दैट, ओनली थ्रू हर आईज यू कैन, मतलब वो पहला ही स्टांस लेती थी तो वो इनोसेंस दिखाई दे रहा था और वो मुग्धा ही लगती थी। सो इन अ वे दैट वे आई वाज ब्लेस्ड, बट स्टिल कैमरा से मुझे ये पता चला कि सटली अगर हो तो भी वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, और वो ज्यादा असर आप छोड़ता है, देर ज्यादा देर तक असर छोड़ता है ऑडियंस पे। सो दैट आई लर्न फ्रॉम दिस फील्ड। अगेन आई लर्न वॉइस मॉड्यूलेशन फ्रॉम द फील्ड ऑफ एक्टिंग, बिकॉज वहां पर आप जो किरदार करते हो तो आपको उस हिसाब से अपना ये डिसाइड करना पड़ता है कि आपको कैसे आवाज निकालनी है, तो और कैसे मतलब उसका टेक्सचर क्या होना जरूरी है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़न करते हैं लेकिन टेक्सचर के बारे में कभी सोचते नहीं थे, लेकिन बिकॉज ऑफ एक्टिंग आई थिंक जब मैं लमछड़ गत का रेसिटेशन करती हूँ, लमछड़ कवित का रेसिटेशन करती हूँ, तो यू हैव टू मतलब बहुत सारे किरदार उस लमछड़ कवित में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ ब्यूटिफुल लमछड़ कवित दक्ष यज्ञ, पंडित लच्छू महाराज जी का है, और उसपे हम लोग दिखाते हैं तो सती दिखाते हैं, शिव जी दिखाते हैं, तो उसमें भी अगर वॉइस मॉड्यूलेशन करना है तो मिसाल के तौर पे एक उसमें से एक बात बताती हूँ, सती निहार सत नहीं क्या बोलते हैं, हाँ, छू कर चरण प्रभु के बोली, यज्ञ भवन में मैं जाती हूँ, आपको भेजा नहीं निमंत्रण, कारण पूछ के मैं आती हूँ। शिव कारण नहीं, ये नहीं है, सॉरी सॉरी, मैं अलग बताती हूँ। आई सती कर जोर के बोली, आज समय सुंदर है आया, नाथ चलो गृह पिता के मेरे, हवन कुंड है बड़ा सजाया, कहो सती मैं कैसे आऊं, मुझे बुलावा नहीं है आया, ये अपमान सती है मेरा, मुझे निमंत्रण नहीं पठाया। तो ये जो सती और शिव के इसमें जो वॉइस मॉड्यूलेशन है, तो
तो ये मैंने ज्यादा मतलब कॉन्शियसली बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ एक्टिंग आई स्टार्टेड यूजिंग दैट आई इम्प्लीमेंटेड दैट इन डांस. सो आई थिंक देयर दोस एवरी आर्ट फॉर्म ऑफ एवरी परफॉर्मिंग आर्ट फॉर दैट मैटर इज वेरी कॉम्प्लीमेंट्री विद ईच अदर. एंड इफ यू एक्सपीरियंस दैट काइंड ऑफ अदर आर्ट ऑल्सो ना आई थिंक यू ग्रो इन योर आर्ट फॉर्म ओनली. तो मेरे डांस को समृद्ध करने के लिए ये बाकी जो मैंने किया वो भी बहुत जरूरी था. और मुझे लगता है कि उससे मैं ज्यादा वाइडन इट मतलब जो क्या बोलते हैं मुझे बहुत ज्यादा डायमेंशन दिखाई देने लगे मेरे नृत्य में. जी बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से आपने वॉइस मॉड्यूलेशन का भी समझाया, और जो भी दोनों कलाओं की विशेषताएं हैं ये भी जैसे अंतर संबंध उनमें है वो आपने इतने बखूबी हम सभी लोगों को बताया। तो मैं अभी आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप नाट्य चित्रपट कला से भी जुड़ी थी, आप नृत्य से इतने सालों से जुड़ी है, तो जैसे हम लोग कहते हैं ना नृत्य में कलाओं में कि देखा सीखा परख्या और फिर उसे परफॉर्म किया, तो वो परफॉर्मेंस अलग अलग तरीके के होते हैं, कोरियोग्राफीज होती है, संरचनाएं आप बनाते हो, अलग अलग तरीके की आपकी सोच आप कलाओं से प्रस्तुत करते हो। आप तो रोहिणी ताई के बहुत सारे संरचनाओं में भी आप प्रस्तुति दिया करती थी, आप अभी अपने विद्यार्थियों के साथ भी संरचनाएं बनाती हो, अलग अलग डिजाइन से अलग अलग सोच आपकी हम लोग देखते आ रहे हैं। आप नृत्य चित्रपट माध्यम से भी नृत्य से जुड़ी हो, तो उस उन संरचनाओं को करते हुए या उसमें आप खुद को ढालते हुए आपने खुद भी नृत्य दिग्दर्शन भी किया है, कई चित्रपटों के लिए उस माध्यम में भी काम किया है, तो ये दोनों चारों भूमिकाओं में आपने कैसे खुद को ढाला और ये कैसे आपको उनकी विशेषताओं से आप कैसे जुड़ी रही, ये हम लोगों को सुनने में मजा आएगा। बिल्कुल जी मैंने मुझे लगता है जो कुछ फिल्म्स में मैंने किरदार निभाया है अनफॉर्चुनेटली आई नेवर गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू डांस इन दैट फिल्म्स. मतलब एक भी सॉन्ग नहीं था जिसमें मैंने नृत्य किया है जिसमें मैंने किरदार निभाया है जिस फिल्म्स में. लेकिन एक ही फिल्म थी जो सरकारनामा नाम था उस फिल्म का. तो उसमें मैं इतनी एक्साइटेड थी क्योंकि ज्यादा सीन्स नहीं थे लेकिन एक सॉन्ग था उसमें और उस सॉन्ग का जो गाना था उसका नृत्य दिग्दर्शन करने वाली थी पंडिता मनीषा साठी जी. तो मुझे ये बहुत मैं बहुत खुश थी क्योंकि वो बीइंग अ कथक डांसर एक कथक डांसर ज्येष्ठ कथक नृत्यांगना वो कोरियोग्राफी करने वाली है और आप उसमें लीड कर रहे हो तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी. और वो मेरी पहली फिल्म थी तो उस वक्त से मेरा ये जो एक्सपीरियंस था फिल्म के कोरियोग्राफी का वो शुरू हो गया. और तब तो क्लासिकल डांसेस थी तो कोई दिक्कत ही नहीं थी क्योंकि हम लोग जानते हैं कि क्लासिकल डांस में जो मूवमेंट्स किए जाते हैं वो बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं डिग्निफाइड रहते हैं और मुझे कुछ ऐसे करने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि फिल्म में यू नेवर नो इट्स जस्ट एन एंटरटेनमेंट नथिंग बियॉन्ड दैट. सो वहां पर आपको क्या कौन सा जेस्चर कौन सी मूवमेंट करने को मिले सो यू नेवर नो दैट आई एम टॉकिंग अबाउट रेस्ट ऑफ द फिल्म्स. पर यहाँ पर तो मैं जानती थी कि बीइंग अ कथक डांसर एज अ कोरियोग्राफर आई एम गोइंग टू गेट डिग्निफाइड मूवमेंट्स एंड आई विल एंजॉय दैट कोरियोग्राफी. तो वैसे ही हुआ. और उसके बाद मैंने दो फिल्म मराठी दो फिल्मों के लिए कोरियोग्राफी की तो उसमें से एक जो समुद्र करके फिल्म थी तो उसके लिए आई गॉट दिस स्टेट अवार्ड एज अ बेस्ट कोरियोग्राफर भी. तो वो भी क्लासिकल ओरिएंटेड सॉन्ग थे इसीलिए तो मुझे कोरियोग्राफी करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया था. तो वो तराना था लेकिन बात ये है कि अगर आप फिल्मों के लिए कोरियोग्राफी कर रहे हो तो आपको स्टेज का डायमेंशन ध्यान नहीं रखना चाहिए. मतलब उस हिसाब से अगर कोरियोग्राफी करो आप तो वो आपकी फेल जाएगी क्योंकि आपको कैमरा टेक्निक्स का अनुभव नहीं हो. अगर आप मतलब मुझे उस वक्त वैसा तो अनुभव नहीं था कि ये लेंस लगाओ इतना तो मैं एक्सपर्ट आज भी नहीं हूँ. लेकिन मैं ये जानती थी कि अगर मुझे स्पेसिफिकली पैरों की मूवमेंट दिखानी है तो आई हैव टू टेक कुछ
ट्रॉली लेकर मुझे अगर कुछ दिखाना है तो मुझे राउंड सर्कल कैसे दिखाना है, तो आई नीड दैट काइंड ऑफ वे एंड आई वांटेड टू यूज दैट स्पेसिफिकली. व्हेन यू डू अ कोरियोग्राफी फॉर फिल्म यू हैव टू थिंक इट टेक्निकली विथ कैमरा, व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटीज यू हैव टू यूज दैट. तो अगर मैंने जैसे कहा कि मुझे सिर्फ ये हस्त दिखाना है तो आई कैन शो दैट, बट इन ऑन स्टेज यू कैन नॉट. मतलब होल बॉडी तो आपकी है, वो भी दिखाई दे ही रही है. अगर आपको एम्फसाइज करना है तो आप आंखों से यहाँ पर देखोगे तो लोग भी यहाँ पर देखेंगे, लेकिन इन कैमरा यू गेट दैट लिबर्टी, यू कैन जस्ट शो दिस इन द होल फ्रेम दिस हैंड. तो वो तो लिबर्टी अगर है तो आपको वो अच्छी तरीके से यूज करना चाहिए, तभी तो वो ज्यादा एनहांस हो सकता है. और आई ट्राई टू डू इट दैट वे. और जब मैंने पहेली जैसे फिल्म में काम किया जहाँ पर बहुत बड़ा प्रोडक्शन था, शाहरुख खान, रानी मुखर्जी, हिंदी प्रोडक्शन, एक तो रेड चिलीज का प्रोडक्शन था और फराह खान कोरियोग्राफर थी. सो आई डिड दैट फिल्म बिकॉज इट वाज मतलब राजस्थानी फोक पूरा कल्चर था उसमें, तो एंड राजस्थान जयपुर का वहाँ का जो फोक है दैट गोज लिटिल बिट क्लोजर टू माई डांस स्टाइल ऑल्सो. सो मैं जानती थी कि वो मुझे हेल्प करेगा और मैंने वो जो फिल्म की तो फराह खान वॉज अ कोरियोग्राफर एंड आई वॉन्टेड टू सी हर वर्क, क्योंकि इतने लार्ज स्केल में क्या होता है मराठी इंडस्ट्री का पूरा जो शेड्यूल रहता है या मैथमेटिक्स रहता है पूरा फिनेंशियल, और ये सब अलग होता है हिंदी इफ यू कंपेयर विद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बिकॉज दे हैव अ लार्जर ऑडियंस. तो आई थिंक वो मुझे देखना ही था और आई न्यू एंड शी वॉज लाइक दैट. मतलब उन्होंने पेपर पर किया था और 2 दिन में एक गाना खत्म करने वाली थी, वो कंगना रे कंगना. तो वो कंगना रे कंगना जो गाना था वो 2 दिन में ही उन्होंने खत्म किया, और जैसे पेपर वर्क किया था उसी हिसाब से वो शार्प शी स्टार्टेड इट शार्प एट 9 o'clock, मतलब वेरी पंक्चुअल विद टाइमिंग एंड ऑल. तो वो बहुत कुछ सीखने को मिला क्योंकि इतना बड़ा जब स्केल रहता है, जब बैकग्राउंड डांसर्स ही आपके 1000 में रहते हो, मतलब नंबर ऑफ थाउजेंड्स, तो वहां पर कैसे यूज किया जाता है कलर्स, इंक्लूडिंग द कलर कॉस्ट्यूम कलर्स, इंक्लूडिंग व्हाट यू कैन से द एम्बियंस. मतलब अगर पेड़ बीच में आता है तो वो पेड़ का कैसे इस्तेमाल करना है कोरियोग्राफी करते समय, तो वो सब कुछ देख मतलब इतना अच्छी तरीके से वो मैं देख पाई एंड आई थिंक कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा उस वक्त वो जब सीखती रही तो. और एक बात मैं कोरियोग्राफी के बारे में कहूंगी कि रोहिणी जी की रचना, रोहिणी ताई की रचनाएं जब करती थी तो वो प्रोसेस ही इतनी अच्छी थी. मतलब फाइनल कोरियोग्राफी स्टेज पर जब जाती थी उसके पहले ही, राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे व्हेन वी यूज्ड टू स्टार्ट लर्निंग दैट थीम और दैट प्रोडक्शन फॉर दैट मैटर, तो उसी दिन से इतना मतलब आनंद मिलता था और वो जो पूरा था वो लास्ट तक रहता था. मतलब स्टेज पे जाऊं या ना जाऊं ये प्रोसेस ही मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहती थी रोहिणी जी के पास जब सीख रही थी. एंड वहां पर मुझे किसी भी कोने में उन्होंने अगर खड़ा कर दिया कि अभी उस कोने में खड़ी रहो, 25 लड़कियां है और परफॉर्म करो, तो उतनी ही मैं आज भी वही करती हूँ. लेकिन मैं ये स्पेशली यंगस्टर्स के लिए बोलना चाहती हूँ कि बिकॉज समटाइम्स दे गेट डिसहार्टेड कि उनके सब लोगों को अकोमोडेट करना पड़ता है और नृत्य संरचना में अगर किसी को पीछे की रूम में खड़ा कर दे तो दे गेट डिसहार्टेड और वो अच्छा डांस नहीं करते. लेकिन मैं उनको उनके लिए खास ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपका डांस की तरफ लगाव हो और आपको उससे आनंद मिल रहा हो तो आप वहां पर भी खड़े रहकर अगर 100% आपका करोगे ना तो लोग आप ही को देखेंगे, ना कि वो जो सेंटर में जो लड़की डांस कर रही है उसको देखेंगे. तो ये मैंने हर वक्त ध्यान में रखा क्योंकि मैं इन्वॉल्व होके जहां पर भी मुझे खड़ा कर दे मैं इन्वॉल्व होके 100% अपना देती थी और मुझे लगता है दैट स्ट्राइक्स. तो वहां पर तो मैं वैसे भी करती थी लेकिन आई वॉज वेरी कंटेंट क्योंकि आई वॉज डांसिंग अंडर हर प्रोडक्शन रोहिणी ताई के. और यहाँ पर जब अवार्ड फंक्शंस में परफॉर्म करती थी, आप तो बिंदास तनका जैसे बोला माय फिल्म, सो वहां पर मैं सेंटर स्टेज करती थी और 100 और मे बी 200 डांसर्स आर देयर इन राइट इन योर एट योर बैक एंड दे आर डांसिंग एंड यू आर टेकिंग द सेंटर. सो ऐसे इतना कॉन्ट्रास्ट में भी मैंने डांस किया है लेकिन माय इंटेंसिटी, माय एनर्जी, माय डेडिकेशन रिमेंड सेम. दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से एंड आई एंजॉयड इन ऑल द प्लेटफॉर्म्स वेयर आई परफॉर्म. थैंक यू.
जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सुझाव दिया, या कह सकती हूँ कि आपकी इंसाइट है कि आपकी इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रोसेस ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि आप कहाँ खड़े हो, आपको क्या काम है उस कोरियोग्राफी में, उस संरचना में आप क्या कर रही हो। आपका होना नृत्य के साथ सबसे अच्छी बात है, तो वो अपने अगली पीढ़ी तक ये विचार पहुंचाना चाहा। तो अभी तो जमाना बदल रहा है, अब जैसे आप कह रही थी कि आपके पीछे 100 150 200 लोग नाचते रहते हैं, तो शायद होता है कि उनकी तरफ ध्यान न जाए। तो आप इतनी अलग अलग विधाओं से नृत्य से जुड़ी हुई है, अनेक माध्यमों से जुड़ी हुई है, तो अभी इतने सारी लड़कियां नृत्य करने के लिए अभी करियर बना रही है, अभी जमाना बदल रहा है, कहीं ना कहीं सरकार में भी कुछ बदलाव है विचारधारा के, कि कलाओं को अभी ऊंचा स्थान दिया जाने लगा है, हर सामाजिक स्तर पर भी हर हर जगह पे नृत्य के लिए अच्छा माहौल बन रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि इतनी सारी लड़कियां अगर जुड़ रही है, बच्चे जुड़ रहे हैं डांस से, तो इस क्षेत्र में उनको क्या-क्या अवसर प्राप्त हो सकते हैं, उसके लिए उन्होंने क्या मेहनत अलग से करनी चाहिए, किस प्रकार की तालीम, कैसी विशेषताएं बनानी चाहिए खुद की, क्या करना चाहिए, आप उनको अगर कुछ दो चार जैसे सलाह या टिप्स दे दे, तो आप जैसे जो बहुत सारे विधियों से जुड़े हैं कला से, तो उनको कुछ तो फायदा होगा। सलाह देने के लिए इतनी मैं बड़ी रूही हूँ, लेकिन जो कुछ मेरा आज तक का अनुभव है उससे वो तो मैं जरूर शेयर करूंगी। मुझे लगता है कि सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपको क्लासिकल डांस में ही मतलब यू हैव टू टेक इट एज अ प्रोफेशन, देन आपको सबसे बहुत जरूरी बात मतलब सबसे बहुत जरूरी व्हाट यू कैन से क्वालिटी की जरूरत है, वो है पेशेंस, संयम, इफ यू वॉन्ट टू परस्यू इन क्लासिकल डांस। सो क्योंकि क्या है कि क्लासिकल डांस में हम सभी जानते हैं कि वेन यू स्टार्ट लर्निंग आपको 3 4 साल वो शैली सिर्फ समझने में ही चले जाते हैं आपके 3 4 साल, उसके बाद 5 6 साल के बाद आप में आप पे वो थोड़ी सी शैली दिखाई देने लगती है, उसके बाद आपको जो गुरु ने आपके सिखाया है वो बहुत ही अच्छी तरीके से आप प्रेजेंट करते हो, तब तक 8 साल जाते हैं, और उसमें जब आपका खुद का कुछ आता है मतलब इनपुट योर पर्सनालिटी स्टार्ट्स रिफ्लेक्टिंग इन योर डांस, दैट टेक्स ऑलमोस्ट 10 इयर्स। सो ये पूरी मतलब जब तक आप अच्छी तरीके से, ये बहुत अच्छी नृत्यांगना है या उभरती नृत्यांगना है ऐसा कहलाते हैं, तब तक आपको 10 साल देने पड़ते हैं उसके लिए कम से कम आई एम सेइंग। तो उसकी अगर आपका मानसिक मतलब ये आपकी तैयारी हो उस बात के लिए, तो ही आप क्लासिकल के प्रोफेशन में आ जाइए। आपको अगर 2 साल या 3 साल में ही क्या बोलते हैं रंगमंच पे जाना है और एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट आपको एस्टेब्लिश होना है, तो फॉरगेट दिस आप सीरियसली। तो ये सबसे पहली बात है कि संयम चाहिए। दूसरी बात ये है कि मुझे ऐसे लगता है कि हर किसी में कोई ना कोई तो बहुत स्ट्रेंथ वाला पॉइंट रहता है, या स्ट्रेंथ वाला यू कैन से हुनर रहता है, वो अपने आप में हमें खोजना पड़ता है कि मेरी स्ट्रेंथ किस में है। मतलब हम सभी जानते हैं कि कथक, फॉर दैट मैटर इफ यू टेक कथक, तो कथक में बहुत सारी विधाएं, फुटवर्क हो सकता है, लय और रिदम की बात होती है, पढ़ंत होती है, टेक्निक होता है, चक्कर हो या ऐसे कुछ, एनर्जी होती है, एक ऊर्जा होती है कि जो बहुत ही अच्छी होती है किसी की, तो और अभिनय होता है, तो ये सारी विधाएं हैं और हम सभी में मास्टर हो सकते हैं, ये ऐसा हो नहीं सकता। हम प्रयास करते रहते हैं, हम रियाज करते हैं, और जो हमारी वीकनेस है उसको सुधारने का, उस पर बेटर अपना ये करने का प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि वो यू हैव टू डू दैट बिकॉज सब में आपको सब में अच्छा तो होना है, मास्टर नहीं, मतलब आई एम सेइंग हर क्वालिटी बेस्ट नहीं रहती आप लोगों की, लेकिन हमको बेस्ट मतलब गुड तो होना चाहिए सब कुछ, और उसमें से जो आपका बेस्ट है वो आपको ढूंढना पड़ता है खुद को, और वो अगर आपको मिले कि आपकी स्ट्रेंथ किस में है, तो वो ही आपको अलग कर सकता है और डांसर से। यू हैव टू थिंक अबाउट दैट स्ट्रेंथ एंड यू हैव टू डेवलप इट इन सच अ वे, यू हैव टू प्रेजेंट इट इन सच अ वे,
इट्स नॉट लाइक दैट कि अभी मेरा फॉर एग्जाम्पल अभिनय मेरा मेरी स्ट्रेंथ हो तो मैं सिर्फ 80% प्रेजेंटेशन में अभिनय ही करती रहूंगी तो नहीं होगा, ये तो मुझे पता है। लेकिन जब मैं अभिनय करूंगी रेशो तो रेपर्टवार जो आप करते हो तो वो पूरा इक्वली डिवाइड होगा। लेकिन आई नो दैट व्हेन आई डू सम काइंड ऑफ अभिनय पार्ट पीपल विल रिमेम्बर इट फॉर एवर, उतना उसको 100% मुझे देना है। तो जो स्ट्रेंथ है उसको बहुत ज्यादा एनहांस कीजिए और जो वीकनेस है उस पे काम कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि वीकनेस पे कुछ बार ऐसे भी होता है कि जो अभी मैं मतलब युवा कलाकारों के बारे में बोल रही हूँ कि वीकनेस को लेकर बैठते हैं और कहते हैं कि नहीं होगा तो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है। तो मैंने कहा कि मुझे सुधारना तो है ही, कुछ भी हो जाओ वो सुधार सकते हैं, रियाज से बिल्कुल हो सकता है ये, लेकिन दैट विल टेक टाइम। सो बाय दैट टाइम यू हैव टू फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड इज, हर कोई परफॉर्मर के लिए मतलब परफॉर्मर नहीं बन सकता, परफॉर्मर तो हर किसी को होना है। आई नो व्हेन यू स्टार्ट डांसिंग यू नो दैट यू आर डांसिंग बिकॉज यू लव डांसिंग एंड यू दैट्स व्हाट यू वांट टू डू। पर परफॉर्मर आप यशस्वी हो सकते हो एज अ परफॉर्मर, ऐसे हर किसी के साथ नहीं हो सकता, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट। लेकिन आप डांस से ही जुड़े रहकर और कुछ भी बहुत सारा कर सकते हो जिससे आपको अर्थार्जन भी हो सकता है, जो आप डांस के दायरे में रहकर भी करते हो, इसलिए आप खुश भी हो क्योंकि वो दैट इज योर पैशन। सो आजकल क्या है, हम जब सीख रहे थे तो उतना एक्सपोजर हम लोगों के लिए नहीं था, लेकिन यू आर वेरी फॉर्चुनेट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर यू आर गेटिंग, द होल वर्ल्ड इज लाइक कनेक्टेड एंड इट हैज कम क्लोजर। सो आप किसी भी कोने में क्या चल रहा है यू नो दैट, तो आपको उसका बेनिफिट भी मिलता है। और मैं जो बोल रही हूँ कि विधाएं बहुत सारी आपके लिए खुली है अभी, मतलब फॉर दैट मैटर मेरी एक जो स्टूडेंट है उन्होंने वीडियोग्राफी का कोर्स किया, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि इफ यू आर अ डांसर एंड इफ यू डू अ वीडियोग्राफी देन यू नो बेटर दैट हाउ टू टेक द वेर व्हेन यू वांट टू डू व्हेन यू आर इफ यू आर शूटिंग वन कॉन्सर्ट फॉर दैट मैटर डांस कॉन्सर्ट, देन यू नो हाउ वेर यू वांट अ क्लोजअप, वेर यू वांट लॉन्ग शॉट, मिड शॉट, पैरों का कब ये देना है, क्योंकि यू आर बीइंग अ डांसर यू कैन अंडरस्टैंड सम का अहम सम की अहमियत यू नो, सो यू कैन रिफ्लेक्ट लाइक दैट एंड यू कैन यू नो शूट इट अकॉर्डिंगली एंड दैट इज मोर व्हाट यू कैन से दैट विल बी मोर इफेक्टिव। सो आपको ज्यादा काम मिलेगा, आप ज्यादा देख सकोगे, आप बीइंग अ वीडियोग्राफर यू कैन सी सो मेनी परफॉर्मेंसेस ऑफ अदर आर्टिस्ट एंड यू कैन टेक अ गुड थिंग फ्रॉम देम, यू कैन इवन थिंक अबाउट यू कैन क्रिटिसाइज, यू कैन जो कुछ आपको अच्छा नहीं लगे तो ऐसे करने से ये अच्छा नहीं दिखता, ये भी आप ध्यान में रखोगे और अपनी तरफ वो इम्प्लीमेंट करोगे अपने आप पर। सो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू एंड दैट विल एनहांस योर परफॉर्म एज यू एज अ परफॉर्मर। तो वो आप एक कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो, डांस का एडिटिंग भी बहुत जरूरी है। आजकल तो सोशल मीडिया पे सब लोग वीडियोस डालते हैं तो वो प्लेटफॉर्म आपके लिए खुला है, सो यू हैव टू यू कैन डू एडिट डांस वीडियोस का एडिटिंग, यू कैन डू आप ये कर सकते हो। समीक्षक कोई नहीं है, आप आज भी देखो तो अनफॉर्चुनेटली न्यूज़पेपर्स में जो कुछ लिखकर आता है वो अगर नॉर्मल किसी न्यूज़पेपर के संपादक ने या किसी ने लिखा है तो उनको डांस के बारे में कुछ पता नहीं रहता। कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो लोग कॉन्सर्ट के पास कॉन्सर्ट में आते हैं, कॉन्सर्ट से पहले आपके पास आते हैं विंग में और पूछते हैं आज आप क्या क्या करने वाले हो, वो जस्ट नोट डाउन, क्योंकि वो उनको पूरा देखने के लिए समय भी नहीं रहता और नेक्स्ट डे दे गिव द रिव्यू। सो दैट्स नॉट द पॉइंट। तो आप लोगों की अभिरुचि और लोगों को डांस कैसे देखना है ये उसके लिए आप उनको शिक्षित कर पाते हो, आपकी अगर डांसर इज व्हाट यू कैन से समीक्षक क्रिटिक, सो आप वो डिसाइड कर सकते हो, वो फील्ड भी अच्छा है, उससे भी आप बहुत सारे परफॉर्मेंसेस देख पाते हो। देन यू कैन वर्क एज अ कॉस्ट्यूम डिजाइनर, डांस कॉस्ट्यूम डिजाइनर, बिकॉज बीइंग अ डांसर यू नो कि लाइंस कैसे दिखनी चाहिए, वो कितनी अहम है, कितनी इम्पोर्टेंस रखती है, बॉडी लाइंस देखना है, थीम कोरियोग्राफी की अगर जैसी हो तो कलर शेड्स का भी इस्तेमाल कैसे करना है, फैब्रिक कौन सा यूज करना है, दैट इज ऑल्सो क्रिएटिव प्रोसेस।
सो यू कैन वर्क ऑन दैट ऑल्सो. यू कैन बी अ कॉस्ट्यूम डांस कॉस्ट्यूम डिजाइनर, स्पेशली लाइट डिजाइनर, बिकॉज फॉर नाउ डेज सोलो कॉन्सर्ट तो होते ही है, लेकिन उससे ज्यादा हम लोग देख रहे हैं कि थीम बेस्ड प्रोडक्शंस बहुत सारी होती है नृत्य में, और उसके लिए तो एक स्पेशल लाइटिंग की जरूरत होती है बिकॉज ऑफ द चेंज इन ऑडिटोरियम एंड बाकी सब कलाओं में आप जो कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी देख रहे हैं. तो टू सर्वाइव एंड टू सस्टेन विद दोज आर्ट फॉर्म्स, द डांस इवन हैज टू अपग्रेड द क्वालिटी दैट वे. सो लाइट डिजाइनिंग का भी आप सोच सकते हो. सो देर आर सो मेनी आई गेस. वैसे सिखाना तो है ही, टीचिंग इज अ लाइफ टाइम प्रोसेस एंड इट्स लाइक मतलब ऐसा नहीं है कि हर परफॉर्मर कैन बी अ गुड टीचर एंड अ गुड टीचर कैन बी अ बेस्ट परफॉर्मर. सो जिनको परफॉर्मर करके मतलब जो लोग सक्सेसफुल नहीं हो सकते, बट नॉट नेसेसरी बींग अ टीचर दे कैन बी मोर सक्सेसफुल, दे कैन बी रियली गुड. सो यू हैव टू फाइंड आउट वॉट यू वॉन्ट टू डू एग्जैक्टली एंड वॉट प्लीजेस यू, वॉट सेटिस्फाइज यू, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट अबाउ ऑल. क्योंकि मैंने जब मेरे सामने, मैंने जैसे कहा डेली सोप का भी एक ये था, तो मेरे सामने बहुत सारी ऐसी टेम्पटेशन थी, बिकॉज आई वुड हैव गॉट मनी, आई वुड हैव गॉट फेम, पर मुझे सबसे ज्यादा पैसिफाई क्या करता है, सेटिस्फाई क्या करता है, तो वो डांस है. इफ आई एम इन डांस आई आई एम मोर हैप्पी एंड दैट इज व्हाट मैटर्स, बीइंग हैप्पी इन लाइफ, बिकॉज लाइफ इज ब्यूटीफुल एंड यू हैव टू स्पेंड इट ब्यूटीफुली एंड यू हैव टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल विथ योर आर्ट फॉर्म. सो आई गेस आप अगर वो एक बार सोच लो कि आपको एग्जैक्टली लाइफ में क्या करना है और क्या आपको सबसे ज्यादा आनंद देता है, वो अगर आपको मिले तो स्टिक टू दैट एंड देन आई थिंक योर पाथ विल बी इजी. इतने अच्छे तरीके से आपने बताया कि नृत्य कला से आपको कितना आनंद मिला। इतने साल आप नृत्य से जुड़ी है, तो हमें ये भी बताइए कि नृत्य कला से सही मायनों में आपको क्या-क्या मिला? नृत्य कला से मुझे मेरा जीवन मिला, ये मैं पहले कहूंगी, क्योंकि दैट इज माय एग्जिस्टेंस, दैट इज माय रीजन टू बी आई व्हाट व्हाट आई विल से व्हाट आई एम टुडे. और क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे एक संवेदनशील ह्यूमन बीइंग बनाया मेरे डांस ने. द पर्सन हु कैन सी द ब्यूटी ऑफ स्मॉल थिंग्स, द ब्यूटी ऑफ क्रिएशन एंड हु कैन एंजॉय. मतलब मैं ऐसे कहना चाहती हूँ कि नृत्य की वजह से ये सब तो ठीक है कि ग्रेस और वो सब कुछ आप में आता है वगैरह, ये सब ऊपर की बात है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि क्लासिकल डांस फॉर्म जो है वो उसके परे है, और वो आपको स्पिरिचुअलिटी और ये सब कुछ मतलब इट्स लाइक मेडिटेशन. पर उसके अलावा मैं अपने रोज के जीवन में एज ए ह्यूमन बींग, इफ आई थिंक मैं जानती हूँ कि आज मेरे बालकनी में जो पौधा है उसको जब एक फूल आता है तो आई जस्ट फील सो नाइस दैट आई एम ब्लेस्ड विद दैट डे, दैट्स व्हाट आई फील. क्योंकि वो क्रिएशन का मुझे आनंद मिलता है जब मैं आसमान में एक अलग सा रंग देखती हूँ, जो आजकल हम लोग बारिश के वर्षा सीजन ऋतु में ज्यादा देखते हैं, तो आई फील सो गुड, आई फील मतलब वो मुझे आनंद देता है. तो ऐसे छोटी छोटी जो बातें होती है उसको उसकी तरफ सेंसिटिविटी होना वो बहुत जरूरी है, तभी आप नोटिस कर पाते हो कि अरे हाँ ये बहुत सुंदर है, ये बहुत सुंदर है. तो ये सुंदरता की जो खोज है या उसके तरफ की जो दृष्टि है, ये मुझे मेरे नृत्य ने दी, और जो मुझे लगता है मेरे जीवन को बहुत सुंदर बनाती है. नहीं तो मैं सिर्फ एकांगी करती रहती कुछ ना कुछ, तो लाइफ हैज बिकम कलरफुल बिकॉज ऑफ डांस, दैट्स व्हाट आई फील. और मैंने मुझे व्हाट डांस डांस के बारे में मैं क्या सोचती हूँ, तो उसके लिए मैंने छोटा सा उस पर मेरा विचार जो है वो मैंने एक पोएम के द्वारा प्रकट किया है, तो मैं वो कहकर समाप्त करूंगी. डांस इज अ सिम्फनी ऑफ बॉडी एंड सोल, डांस इज अ सिम्फनी ऑफ बॉडी एंड सोल, इट्स अ प्रेयर फुल ऑफ हार्मनी विथ अ क्रिएटिव गुड. समटाइम्स इट्स ब्रीज, समटाइम्स इट्स ब्रीज, sometimes it's thunder, it gives me peace, it creates wonder. Dance is my expression, dance is my expression, dance is my joy,
डांस इज माई एक्सप्रेशन, डांस इज माई जॉय, इट्स अ फ्लाइट फुल ऑफ एनर्जी टूवर्ड्स एन एनलाइटनिंग स्काई, दैट इज डांस फॉर मी। बहुत बढ़िया, इतनी सुंदर थी कविता। सारे शब्दों में आप, इतने कम शब्दों में आपने बताया कि नृत्य आपके लिए क्या है। ये आपका नृत्य का साथ हमेशा ऐसे ही बना रहे, आप को शुभकामनाएं। और मैं सहपीडिया की ओर से फिर से आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद शर्वरी जी, आपका बहुमूल्य समय देके आपने हमारे लिए ये आपका इंटरव्यू आज यहाँ पे किया हम लोगों ने। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। धन्यवाद लीना, धन्यवाद सहपीडिया, और जो कुछ हमारे श्रोता और रसिक है जो आज ये देख रहे हैं इंटरव्यू, उन सबको भी, उनके सबके भी मैं आभारी हूँ, और कि आपने इतने संयम के साथ, पेशेंस के साथ मुझे सुना। और आई होप जो कुछ मैंने आज तक, मेरा जो अनुभव है वो मैं आपसे शेयर, मैं आपके साथ अभी मैंने जो शेयर किया उससे आपको कुछ तो मिला होगा। थैंक यू सो मच।